आज बात फिर एक गुमनाम कलाकार के बारे में, जिन्हें हिंदी सिनेमा पूरी तरह भूल चुका है, लेकिन उनके कुछ चाहने वाले दर्शक आज भी उन्हें याद करते हैं और उनके बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं। भले ही इस अभिनेता को हिंदी सिनेमा भूल चुका हो, लेकिन आज हम बात करेंगे इनके बारे में। इनका नाम है विपिन गुप्ता। बैजू बावरा, सैलाब, देवता जैसी फिल्मों में नजर आए इस कलाकार को बेशक आज भुला दिया गया हो, लेकिन आज हमारे इस वीडियो के जरिए हम आपको इनके बारे में बताएंगे। 1930 और 1960 के दशक के दौरान एक भारतीय अभिनेता और कलाकार थे। उन्होंने बंगाली और हिंदी सिनेमा में अभिनय किया, जिनमें बैजू बावरा, जागृति, घराना और खिलौना प्रमुख हैं। गुप्ता का जन्म 21 अगस्त 1905 को मेरठ में एक बंगाली परिवार में हुआ था। वे अपने माता पिता त्रिलोक्यनाथ गुप्ता और खेमनकारी देवी की पांचवी संतान थे। बाद में वे बैरकपुर चले गए। उन्होंने चिनसुरा ट्रेनिंग स्कूल और बैरकपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उनका विवाह अन्नपूर्णा देवी से हुआ था। गुप्ता की पहली बंगाली फिल्म 1938 में सोतू सेन द्वारा निर्देशित चोखेर बाली थी। अपने करियर के दौरान उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्होंने केवल एक बार नूरी फिल्म में हीरो की भूमिका निभाई थी। 1964 में उन्होंने एक हिंदी फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया, जो कभी रिलीज नहीं हुई। उन्होंने 1934 में रेडियो में काम करना शुरू किया और 1936 तक वो एक पेशेवर स्टेज कलाकार बन गए। बॉलीवुड में खुद को स्थापित करने के लिए वे 30 साल तक बॉम्बे में रहे। 1964 में उन्होंने सत्यसेन बोस द्वारा निर्देशित और निम्मी, किशोर कुमार और अभी भट्टाचार्य अभिनीत फिल्म दाल में काला का निर्माण किया। उनके बेहतरीन फिल्मों की बात करें तो बैजू बावरा, राज तिलक, सवेरा, इंसान जाग उठा, घराना, मजली दीदी, आम्रपाली जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं, जिसमें इन्होंने सहायक कलाकार के तौर पर काम किया और दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इन छोटे कलाकारों को लोग जल्दी भूल जाते हैं और एक समय के बाद उनके बारे में कोई बात नहीं करता, ना ही इनका जिक्र किया जाता है। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको आपके पसंदीदा गुमनाम कलाकारों के बारे में बताते हैं, ताकि आप उनके सराहनीय अभिनय को याद रख सकें। 1964 में उन्होंने सत्यसेन बोस द्वारा निर्देशित और निम्मी, किशोर कुमार और अभी भट्टाचार्य अभिनीत फिल्म दाल में काला का निर्माण किया। लेकिन अफसोस, 9 सितंबर 1981 को कोलकाता में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।